अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद की आप सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। और आज है जुमे का दिन, ये देखें कितना कोहिर है, जिसको हम इंग्लिश में फोक बोलते हैं कोहिर, हम सिंधी में इसको कोहिरो बोलते हैं, ये देखें। और उर्दू में शायद धुंध बोलते हैं, ये धुंध कितनी हो गई है। सुबह सुबह का टाइम है तो कोई नहीं बाहर। और ये देखें, ओ ये शबनम ऊपर जो है ये गिर रही है, ये रोड वगैरह सब गीले हो गए हैं, इतना ज़्यादा है कोहर है। और ये तो जो है ये देखें गीला, ये ऊपर से दरख्तों से जो है शबनम गिर रही है, और मेरे ऊपर भी गिर रही है, ज़्यादा है, जैसे हल्की हल्की फवार पड़ती है ये इस तरह से, ये देखें। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। ये सारा धुंध है, कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये दो बंदे हैं या काम वाली हैं क्या है ये? चलें जी, ये देखें गीलापन, ये ऊपर से शबनम गिर रही है दरख्तों से, जैसे हल्की फुहार पड़ती है इस तरह से ये है होग। और हमारा ये दूसरा हिस्सा लान का, एक तो वो जहाँ हम बैठते हैं और एक ये हवा पर उड़ के आते हैं कागज़ वगैरह। हस्बैंड ने पाइप लगा दिया है बाहर छिड़काव करने के लिए। चलें जी, घर चलते हैं अंदर और तैयारी करते हैं स्कूल के लिए। और ये देखें तीनों बिल्लियाँ एक साथ बैठी हुई हैं, क्योंकि इनकी गर्माइश ही बहुत ज़्यादा होती है। मैंने तो इनको बना के दिया था वहाँ पे, तो गर्म इसकी ठंड की वजह से, लेकिन ये वहाँ सोती नहीं है ना आती हैं। बाहर की बिल्लियाँ हैं तो उनकी मर्ज़ी है, जब भी आएँ गर्मी जब जाएं बाहर। उस तरफ इनको मैंने बना के दिया था क्योंकि ऊपर से शेड है इस वजह से, लेकिन ये वहाँ आती नहीं है। ये स्वेटर वगैरह कल हमने धोए थे तो ये भी बिल्कुल ही और भी ज़्यादा गीले हो गए हैं। और 2:30 बज गए हैं, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, अभी तक नमाज से नहीं आया है। मुझे बहुत भूख लगी है, और मैं पहले भी बताती हूँ कि हम जो है नाश्ता सुबह को बहुत जल्दी करते हैं, और ये अभी पता नहीं क्यों नमाज से अभी तक नहीं आया, अल्लाह ताला खैर करे। और बस ये आ जाएं तो हम भी फिर जो है खाना खाते हैं दोपहर का, उसके लिए मैं बाहर यहाँ धूप में बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ उनका आए तो हम खाना स्टार्ट करें। बाकी बच्चे तो अंदर खा रहे हैं खाना, मुझे अंदर ठंड लग रही थी क्योंकि मैं नहा के भी आई थी, तो इस वजह से बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं बाहर भी बैठी हुई हूँ धूप में, उसका वेट भी कर रही हूँ। और जी ये खाना लग चुका है, हस्बैंड मेरे अभी अभी आए हैं, तो मैंने पूछा तो लेट क्यों की, कि कह रहा है कि लोग वो आपस में बातें करते हैं खड़े होकर, तो आपस में बातें कर रहे थे हमें, हम सब मिलकर जो बंदे कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं, तो कुछ उनके दोस्त उनको मिले थे तो उनके साथ खड़ा हो गया, उनकी
बातें कर रहे थे। और यहाँ पर है ये शिमला मिर्च की जो है सब्ज़ी बनाई, फ्राई किए हैं, और यहाँ आलू फ्राई किए हैं। राजू खाई हो मानी ना? दो यार खाई दो जी। ये देखें फातिमा बैठकर मुझे फूल दे रही है। थैंक यू माय लवली डियर डॉटर, थैंक यू। ये देखें ये फातिमा ने मुझे छोटा सा फूल दिया है। हाँ फातिमा गिर गया नीचे। थैंक यू सॉरी मुझसे गिर गया नीचे। हाँ यहाँ रखा था ना यहाँ पे। खाना खाओ फातिमा, खाना खाओ। ना। क्यों खा लिया? अच्छा कौन मेहंदी आई ना बेबी और फातिमा देखें। फातिमा आछुरी बेबी हाथ का पीली उल्टी छुरी चला रही है। बेबी जो है पालक साफ कर रही है यहाँ पर। अरे इसकी त्या बाहर भी आ जा सुनी पियो। तो मैं भी बैठ गई हूँ बेबी के साथ और यहाँ पर मैं भी इनकी हेल्प करवा रही हूँ। तो जी हम वीडियो घर में बनाते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं बाहर कम निकलती हूँ, और पहले कार होती थी तो मैं निकलती थी डेली, और मेरी जो ओल्ड वीडियोस हैं उसमें देखें गाड़ी है, और डेली की डेली मैं वीडियो बनाती थी। अब बाइक भी है और मुझे डर भी लगता है गिरने का वहाँ उससे, और दूसरी बात के सर्दी है ठंड है, बाइक पर मुझे इसलिए डर लगता है गिरने का कि जो चक्कर आते हैं किसी टाइम भी कभी भी जो है मुझे चक्कर आ सकते हैं, इसलिए मैं बाइक जो है कम यूज़ करती हूँ। ये तो ज़ाहिर ये घर के काम है कभी ख़त्म नहीं होंगे जब तक इंसान जिंदा है। थैंक यू सो मच आपने इतना कहा। और ये है दोपहर की चाय, हम बाहर बैठे हुए हैं पहले भी बताया, और चाय पी रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट मतलब के गुलशन हदीद। तो बस ऐसे चक्कर लगाने जा रहे हैं, जो भी लूँगी तो आपको बताऊँगी, आप भी मेरी फैमिली हैं। तो चलें जी, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, बाइक निकाल ली है। अब ये देख रहे हैं सुन रहे हैं और आवाज़ें गाड़ियों की। तो ये पीछे स्टेडियम है जहाँ मैं लेके चलती हूँ, वहाँ लोग वॉक करने आते हैं। आजकल शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हर कोई जो बंदा जो है वहीं जाता है वॉक करने के लिए। और यहाँ पर हम आए हैं सरसों का तेल लेने, तो देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि ये खालिस तेल मिलता है यहाँ पर, तो देखते हैं सरसों का तेल लेना है हमें। ये मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर। ये 100 वाली डी सही है पहले, चलो 100 वाली दे दो। ये 200 की है, चलो 100 वाली दे दो इस्तेमाल करते के लिए। क्या कौन कौन से तेल है आपके पास? सरसों, खोपरा, बादाम, कलौंजी, तिल, कद्दू, अलसी। ओके करो कर दो, कर दो वापर जाओ ना ये फिलहाल। इसी क्या बोल रहे आप, कुछ कहना चाहेंगे? बस खालिस तेल दस्तियाब है हमारे पास। हाँ जी, यानी आपकी तलाश जो है यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी खालिस तेल की,
टाइमिंग एड्रेस बताएं। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और ये B44 Phase 2 गुलशन हदीद अलशम्स स्कूल के बिल्कुल सामने। आप सब सुन रहे हैं ना, ये भाई हमें अपना एड्रेस बता रहे हैं। खालिस तेल है, ये देखें इनकी मशीनें लगी हुई हैं, इनकी सारी मशीनें लगी हुई हैं, सब खालिस तेल है। और भाई ने जो है एड्रेस बता दिया है, नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की कमी थी गुलशन हदीद में, तो यहाँ पर ये कमी भी पूरी हो गई है। खालिस तेल के लिए हमें जो है सिटी जाना पड़ता था। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उसके बाद फिर हम आए, यहाँ बड़ा सा मार्ट है जो मैं हर बार आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है आइडियल मार्ट, और यहाँ से मैं अक्सर करके मेडिसिन भी लेती हूँ। तो यहाँ पर हम चिकन लेने आए हैं, और मैं आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। चिकन के बाद फिर जो है मैंने कीनू लिए, कीनू देखा तो बहुत अच्छे बड़े थे, और यहाँ पर दर्जन के हिसाब से नहीं, और यहाँ पर जो है किलो के हिसाब से कीनू दे रहे थे। और फिर आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई है, देखें पेटा। और यहाँ पर हम खाने आए हैं बर्गर, इसका बर्गर बहुत अच्छा होता है, और चिकन बर्गर है, और ये है पूरा मार्केट। कुछ लोग यहाँ बैठकर खा रहे हैं, और हम यहाँ अलग बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं साथ, अब वेट कर रहे हैं जब तक वो बनाए, बच्चों के लिए भी पार्सल लेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करें, और फुल वॉच किया करें। ये है हमारा मार्केट गुलशन हदीद का, जो गुलशन हदीद स्टील टाउन में रहते हैं, पिपरी शाह टाउन, वो तो इनको पहचानते होंगे अच्छी तरह से। और जी बर्गर आ गया है, जिनको खाना है आ जाएं, मार्केट में बैठे हुए हैं। अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे, ये ज़ोर से आवाज़ से मैं बात करूं। ये हैं बर्गर, चलें जी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर हम आ गए हैं, तकरीबन हमें 1.5 घंटा हो गया है। भाई मेरा बैठा हुआ था, फिर उससे थोड़ी बातें हुई, तो अब है ये इसकी बारी, मूंगफली की। और मूंगफली भी जिसको खानी है आ जाएं।